तो हवे नजर करिए समाचार सुपरफास्ट पर। युक्रेन में फसायेली भारतीय नागरिकों माटे भारतीय दूतावास की नवी एडवाइजरी, अधिकारियों साथे संकलन विना कोईपण सरहदे न जवा सूचना। भारतीय नागरिकों ने क्यूमा दूतावास साथे संपर्क में रहवा सूचना अपाई। बॉर्डर चेकपॉइंट पासे पण स्थिति संवेदनशील। अधिकारियों ने जाण कर्या विना बॉर्डर पर पहुंचवानी दूतावास ने नड़ती मुश्किली। भारतीय नागरिकों ने स्थिति की समीक्षा विना बॉर्डर पर न जवा सूचना अपाई। पूर्व युक्रेन में भारतीयों ने पोताना हालना ठिकाणा पर रहेवानी सूचना अपाई। भारतीय दूतावासे जाहर करेली एडवाइजरी मुजब पश्चिम युक्रेन शहरों में स्थिति प्रमाण में सलामत। वधुमां जणाव्युं के खोराक अने पाणीनो पूरतो जत्थो होय तो चिंता न करवी तेम जणाव्युं। युक्रेन थी आज परत करशे भारतीय एर इंडिया ना बे विशेष विमान थी भारतीय ने रुमानिया सरहद थी पतन लावा कवायत। यूएन में रशिया सामे निंदा प्रस्ताव, 15 मांथी 11 देशों कर्यु प्रस्ताव नु समर्थन। भारत वाटिंग थी दूर रह्यु, रशियाए वीटो पावर थी प्रस्ताव फगाव्यो। रशिया ने युक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रशिया विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रजू करवामां आव्यो। निंदा प्रस्ताव की तरफेण में 11 मत, भारत चीन यूएईए मतदान में भाग न लीधो। युक्रेन राष्ट्रपति देश छोड़ी भागी गया अफवा वच्चे सोशियल मीडिया में वीडियो वायरल कर्यो। कह्युं के अमे युक्रेन क्यू में छीए, मारी साथे अमारी संसद नेताओं जेओ अमारा प्रधानमंत्री और अमारा नागरिकों अमारी साथे छे। युक्रेन राष्ट्रपति कहूं कि अमारी बहादुर सेना रशिया सामे लड़ी रही है, अमे अहीं ज मजबूताई थी रशिया सामे लड़ी और युक्रेन की रक्षा करीशुं। युक्रेने घणी रशियन टैंकों ने नष्ट करवानो दावो कर्यो। युक्रेन मिगे पण रशियन सुखोई फाइटर प्लेन ने तूणी पाड़वानो दावो कर्यो। रशियन प्रमुख व्लादिमीर पुतिने युक्रेनी सैन्य ने पोतानी सरकार ने उतलावी पाड़वा माटे हाकल करी हती। पुतिने युक्रेनी सरकार ने आतंकवादी जूथ अने तेना मंत्रीओ ने ड्रग एजेंसीओ ने गैंग गणावी हती। रशिया युक्रेन युद्ध में अत्यार सुधी में 127 थी वधु लोकोना मौत थया, 1 लाख थी वधारे लोको बेघर थया। रशियन हुमला बाद युक्रेन में अराजकता माहौल, 48 कलाक में 50,000 थी वधारे लोको युक्रेन थी पोलेंड अने मोलंडा भागी गया। नाटो एक निवेदन जारी करीने युक्रेन पर रशियाना हुमलानी नियमोनु उल्लंघन गणाव्यु। आ साथे फरी एक बार रशिया ने युक्रेनी सरहद पर थी तरत ज हटी जवानी चेतवणी आपी। युक्रेन में फसायेला भारतीयों ने बचावा माटे भारत सरकार नु मिशन एल लिफ्ट शुरू। आज प्लेन रोमानिया अने हंगेरी थी भारतीयों ने लईने दिल्ली अने मुंबई पहुंचशे। युद्ध रोकवा माटे रशियानी सेना ने टैंको अने बख्तरबंद गाड़ियों ने युक्रेन नो व्यक्ति हाथों थी रोकतो होवानी कोशिश, जेनो वीडियो सोशियल मीडिया में थयो वायरल। रशिया में दिवस में युक्रेन पर 200 वधु हवाई अने मिसाइल हुमला कर्या, जेमां 130 थी वधु लोकोना मौत निपजा, जेमां केटलाक वीडियो पण आव्या सामे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नाटो मुख्यालय बहार युक्रेन पर रशियाना हुमला ने लईने विरोध प्रदर्शन। आ प्रदर्शन त्यां रहता युक्रेनना लोकोए कर्युं। प्रदर्शनकारीओए नाटो ने रशिया पर कार्यवाही करवानी अपील करी। लोको रशिया विरुद्ध नारेबाजी साथे प्लेकार्ड लईने पोतानो विरोध कर्यो। एक महिलाए माइक अने लाउड स्पीकर की मदद थी पोतानो आवाज नाटोना अधिकारीओ सुधी पहोंचाड़ती जोवा मळी। साथे ज युक्रेनने सैनिक सहायकता सहित आर्थिक सहायता आपवा माटे करी अपील। युक्रेनी राजधानी क्यूमा सेनाए लोको सुधी हथियारोथी भरेलो ट्रक पहोंच्यो। रशियानी सेना सामे लड़वा माटे सैनिकोने अपाया हथियार। युक्रेनी राजधानी क्यू में फसायेला पाकिस्तानी छात्र इमरान सरकार पर भड़क्या। छात्रों आरोप लगाव्यो कि पाकिस्तानी दूतावास तरफ थी कोई सहाय नहीं, पाकिस्तान तरफ थी कोई एडवाइजरी जाहिर न कराता पाकिस्तान छात्रों की तरफेण में थयो वतारो। हवे सतत छात्रों इमरान सरकार समक्ष लगावी रहा छे गुहार। आ तरफ पाकिस्तान में बाळकोना परिवारजनोए सरकार वलण ने लईने आज नाराजगी व्यक्त करी। अंते पाकिस्तान सरकारे एडवाइजरी जाहिर करी, पाकिस्तानी छात्रों ने सुरक्षित बहार कढाशे तेम जणाव्युं। अमरेली में आज गरीब कल्याण मेळानु आयोजन, लाभार्थीओए विविध योजनाओं हेठळ सहाय कराशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति, जिल्लाभरमांथी मोटी संख्या में लाभार्थीओ हाजर। अमदावाद शहर नो आज 611मो बर्थडे। भव्य हेरिटेज स्ट्रक्चर, महात्मा गांधी स्मारको और 600 जेटली पोड़ शेरीओ लीधे अमदावाद भारत पहलू वर्ल्ड हेरिटेज शहर तरीके उभरी आव्युं। अमदावाद स्थापना दिवस की कराई उजवणी। माणेकचौक में माणेक बाबा की समाधि 13मी पेढ़ीए पूजन करी उजवणी करी। अमदावाद मेयर किरीट परमार, स्टेडिंग कमिटी चेरमेन हितेश बारोट पण जोड़ाया।
जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित म्युनिसिपल प्राथमिक शाला नंबर 1 लोकार्पण। शाला में बिल्डिंग एस लर्निंग एड्स की निभावना कारण साकार करता वर्गखंडो, शाला की लॉबी में सुंदर शैक्षणिक चित्रों। शाला में सीसीटीवी कैमरा, पब्लिक एड्रेस सीस्टम, पीवाना पानी माटे आरओ प्लांट की व्यवस्था, तो क्लासरूम फर्निचर, साइंस लेबोरेटरी, कम्प्यूटर लेबोरेटरी, कुमार कन्याओं और शाला कर्मचारी अलग टॉयलेट की सुविधा। शाला परिसर में ट्री गार्ड साथ वृक्षारोपण कर हरियाणु सर्जन करायु। नवा अत्याधुनिक सेंट्रलाइज किचन में सरकारी शाला में अभ्यास करता 50,000 बाड़कों ने दररोज ताजू आरोग्यप्रद और पौष्टिक भोजन पीरसवा क्षमता। आणंदनी वणजारी वावनुं समारकाम न थता स्थानिकोमां नाराजगी। पुरातत्व खाताए वावना समारकाम अंगे बेदरकारी राखी तेवो स्थानिकोनो आक्षेप। પોરબંદરમાં બાયોડાયવર્સિટી એન્ડ ક્લાઇમેટ ચેન્જ અંગેનો પ્રોજેક્ટ લોન્ચ, આગા ખાન એજન્સી ફોર હેબિટેટ અને રાજ્ય સરકારના ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લોન્ચ કરાયો। ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે આવતી આપત્તિથી બચવા પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરાયો। નાગા સાધુઓના ભસ્મનું આગવું મહત્વ હોય છે। જૂનાગઢમાં શિવરાત્રિના મેળામાં અસંખ્ય નાગા સાધુઓ શરીરે ભસ્મ ચોપાડાયેલા જોવા મળે છે। ગાંધીનગરમાં ચુલન યુનિવર્સિટીને મળેલી યુજીસીની 12B માન્યતા અને વર્ષ 2007 પછી રાજ્યમાં સ્થપાયેલી સ્ટેટ યુનિવર્સિટીઓમાંથી ફક્ત ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીને 12B માન્યતા મળી। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા RMC ઓન વોટ્સએપ સેવાનું લોન્ચિંગ કરાયું। મંત્રી જીતુ વાઘાણી દ્વારા કરાયું લોન્ચિંગ। રાજ્યભરમાં સૌ પ્રથમવાર મનપાની 175થી વધુ સેવાઓ વોટ્સએપ પર આપવામાં આવશે। ગીર સોમનાથના વીરાવળની સરકારી કન્યા શાળાને મરાયું સીલ। ફાયર સેફટી મુદ્દે તંત્રની કાર્યવાહી, શાળાનું બિલ્ડિંગ સીલ થતા અભ્યાસમાં વિક્ષેપ। 400થી વધુ છાત્રાઓને શાળામાં અભ્યાસ માટે લવાતા અવ્યવસ્થા સર્જાઈ। ગુજકોમાં સોલ ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોને લઈને દિલીપ સંઘાણીનું નિવેદન। ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે કરેલા આક્ષેપને ગુજકોમાં સોલ ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીએ વખોડ્યો, સાથે જ પારદર્શક વહીવટ હોવાનું જણાવ્યું। વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું, ગાંધીનગર જમીન બિલ્ડિંગ બાબતે સારા કન્સ્ટ્રક્શન કરાશે। 140 ભરતી કૌભાંડ વિશે જણાવ્યું કે ભરતી પારદર્શિતાથી કરેલી છે, કોંગ્રેસ હંમેશા આક્ષેપો કરતી રહે છે। પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે સરકારી સંસ્થા ગુજકોમાસોલ પર ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ કર્યા। તેમણે કહ્યું કે ગુજકોમાસોલે ખરીદેલી જમીનમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો। બનાસકાંઠા અને ગાંધીનગરમાં ખરીદાયેલી જમીનમાં 9 કરોડથી વધારેનો ભ્રષ્ટાચાર। કહ્યું કે ગુજકોમાસોલમાં કરાયેલી 140 લોકોની ભરતી પર નિયમો વિરુદ્ધ કરાઈ, વારંવાર રજૂઆતો કરાઈ હોવા છતાં પગલાં ન લેવાતા છેવટે હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા। હાઈકોર્ટ તમામ મુદ્દાઓનો 2 મહિનામાં તપાસ રિપોર્ટ કરવા આદેશ કર્યા। પાવી જેતપુરના સાલોજમાં રાજ્યમંત્રી નિમિષાબહેને સુથારે હાઈ લેવલ પુલનું કર્યું લોકાર્પણ। 4,51,00,000 ખર્ચે બનાવાયેલ પુલનું કર્યું લોકાર્પણ। ગોંડલ જેતપુર હાઈવે પર હિલ સ્ટેશન જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હોવાનું જોવા મળ્યું। ધુમ્મસના કારણે વાહન ચાલકોને લાઇટ ચાલુ રાખવાની પડી ફરજ, શિયાળુ પાકમાં નુકસાન થવાની ભીતિ। શાળંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિર કેશુડાનો ભવ્ય શણગાર કરાયો, દર્શન કરી ભક્તોએ અનુભવી ધન્યતા। બોટાદના રાણપુરના કુંડલી ગામના સરપંચે ચેકિંગમાં ગયેલા વીજ કર્મચારીઓને ફટાકા મારતો વિડીયો વાયરલ। રાણપુર પીજીવીસીએલના ટીમે કુંડળી ગામે ચેકિંગમાં ગઈ હતી, શંકાસ્પદ વીજ કેબલ કાપતા મામલો બિચકાયો હતો। કુંડળી ગામના સરપંચે પોલીસની હાજરીમાં જ વીજકર્મીઓને બીભત્સ શબ્દો બોલ્યા, સાથે પોલીસ પણ સરપંચની કરી હતી ધરપકડ। ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ થયો। તો હાલ સમય થયો છે વિરામનો। વિરામ બાદ સ્વાગત છે, નજર કરીએ અન્ય સુપરફાસ્ટ સમાચારો પર। રાજકોટમાં અઠવાડિયામાં પતિ પત્ની ઓરબોનો બીજો કિસ્સો આવ્યો સામે। પત્નીને પતિની પ્રેમિકાની જાણ થતા પ્રેમિકાને ઢોર માર માર્યો, ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલી મહિલાને હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ। સુરતના કતાર ગામના પાર્થ કોમ્પ્લેક્સ પાસે જાહેરમાં મારામારી કરતો વિડીયો વાયરલ। બંને વ્યક્તિઓ એકબીજા પર લાકડીઓ વડે મારામારી કરતા દેખાયા। વિડીયોના આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી।
बारडोली में रसना मामले एक खेडूते अन्य खेडूत पर हुमलो कर्यो। बने खेडूत वच्चे अगाउ पण घर्षण थता छीणा वडे हुमलो थता खेडूते हॉस्पिटले खसेडायो। सूरत में इलेक्ट्रिक सामान वेचाण की आड़ में ई सीगारेट वेचाण झड़पी पड़वामां आव्यु। एमएस के कलेक्शन नामनी दुकान में घड़ियाल बॉक्स की पाछड़ ई सीगारेट जत्थो झड़पी पड़ायो। 1,74,750 मुद्दामाल कब्जे कर कार्यवाही हाथ धराई। सूरत गोडादरा में गड़े टूपो दीधेली हालत में मळ्यो घर में महिला मृतदेह। मृत महिला पति ने शोधखोळ चालू। हत्या के आत्महत्या ने लई उठ्या अनेक सवालों। सूरत पुलिसे ठगाई करनार आरोपी की करी धरपकड़। आरोपी व्यापारी साथ ठगाई करते हतो। पुलिसे ठगबाज ने झड़पी आगळनी कार्यवाही हाथ धरी। सूरत में एसीबी की सफर ट्रेप 35,000 की लाच लेता डीजीपीसीएल नायब इंजीनियर इलेक्ट्रिक असिस्टंट वचेटिया ने झड़पी पड़ाया। मीटर पेटी लगावी चाइलाइट चालू राखवा बाबते लांच मांगी हती। लांच मांगता पुलिस फरियाद कराई हती। एसीबी द्वारा छटकू गोठवी 35,000 की लांच लेता वचेटिया ने रंगे हाथे झड़पी पड़ायो। तेमज लांच की मांग करनार बन्ने अधिकारी धरपकड़ कराई। रेलवे ट्रेक ना एंकर उखाड़ी दीवा मामले पुलिस ने मिली सफलता। पुलिस ने आरोपी ने गणतरी दिवसों में झड़पी। आरोपी ने करी धरपकड़। नवसारी बिलीमोरा ना गोहरबाग में आवेली एक दुकान में आग। क्लबना फ्लावर मार्टना नामनी दुकान में गैस सिलिंडर थयो होवाथी ब्लास्ट। एक व्यक्ति नु थयो मौत। एक व्यक्ति सारवार हेठळ। तो गुजरात में छेल्ला 24 कलाक में नवा 245 केस नोंधाया। 5 दर्दीना थया मौत जारे 644 दर्दी थया रिकवर। राज्य में हाल 2,538 एक्टिव केस। सौथी वधु अमदावाद में कोरोना 101 केस नोंधाया। वडोदरा में 29 केस। सूरत में 12 राजकोट में 8 गांधीनगर में 18 केस नोंधाया। पाटण में कोरोना 5 केस तो डांग में 8 केस नोंधाया। आणंद में 7 दाहोद खेड़ा में 4 केस नोंधाया। उज्जैन में लग्न में नाचवा बाबते जोरदार हंगामो। लग्न में सामेल लोकोए युवक की करी जोरदार पिटाई। पुलिसे 5 लोगों की विरुद्ध दाखिल कर्यो गुनो। मध्यप्रदेश ग्वालियर गोला मंदिर विस्तार में सीसीटीवी में कैद थी पिटाई। 12 धोरण में अभ्यास करती छात्र युवकों की मारपीट। मारामारी करनार बे आरोपी सामे हता देशी कट्टा। मध्यप्रदेश उमरिया में जिंदगी की जंग हारी गयो मासूम गौरव। 3 कलाक सुधी चालेला रेस्क्यू ऑपरेशन बाद पर ना बचावी शकायो जीव। शोक में डूब्या परिवारजनों साथे स्थानिको। युक्रेन में बॉम्बमारा वच्चे दहशत में छात्र। एमपी 46 विद्यार्थी फसाया। छत्तीसगढ़ केटलाक छात्रों भारतीय दूतावास संपर्क में रहेवानी एडवाइजरी। मध्यप्रदेश सीधी में पतंग उड़ावता उड़ावता 12 वर्ष बाड़क गायब। सघंध शोधखोड़ छता बाड़क न मळ्यो। पुलिस गुम थयानी फरियाद नोंधी तपास तेज करी। जबलपुर में लग्नों में चोरी करनार पति पत्नी ने पुलिस ने पकड़िया। सीसीटीवी फूटेज आधार पुलिस ने मिली सफलता। आरोपी पति हनुमान मंदिर में पुजारी। देश में कोरोना केस में सतत घटाड़ो। 24 कलाक में नवा 11,499 केस नोंधाया। 255 लोगों कोरोना की मौत। 23,000 थी वधारे लोग थया स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 कलाक में 983 केस नोंधाया। 7 दर्दियों कोरोना की मौत। महाराष्ट्र में हाल 12,000 थी वधारे एक्टिव केस। केरल में 24 कलाक में कोरोना वायरस नवा 3,581 केस नोंधाया। एक दिवस में 173 लोगों मौत। केरल में एक्टिव केस की संख्या 38,000 ने पार। कर्नाटक में 24 कलाक में 628 केस नोंधाया जारे 15 दर्दी मौत। कर्नाटक में एक्टिव केस की संख्या 7,000 ने पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना नवा 460 केस नोंधाया। छेल्ला 24 कलाक में 2 दर्दी मौत। दिल्ली में हाल 2,085 एक्टिव केस। विश्व में कोरोना वायरस अत्यार सुधी कुल 43,035 लाख थी वधारे केस। दुनियाभर में 59,56,000 थी वधारे लोगों जीव गुमाव्यो। 36,29 लाख थी वधारे लोग थया रिकवर। अमेरिका में अत्यार सुधी कुल 8,05,00,000 थी वधारे केस नोंधाया। 9,72,000 थी वधारे लोगों कोरोना थी मौत तो 5,28,00,000 थी वधारे रिकवर। ब्राजील में कोरोना वायरस ना कुल 2,86,00,000 थी वधारे केस। अत्यार सुधी में 6,48,000 थी वधारे लोगों मौत। 2,59,00,000 थी वधारे लोग रिकवर थया। फ्रांस में कोरोना ना हाल कुल 2,25,00,000 थी वधारे केस। अत्यार सुधी में 1,37,000 थी वधारे लोगों गुमाव्यो छे तो 2 करोड़ थी पण वधारे लोग रिकवर थया। ब्रिटन में अत्यार सुधी में 1,88,00,000 थी वधारे केस नोंधाया। कुल 1,61,000 थी वधारे दर्दियों मौत। कुल 1,71,00,000 थी पण वधारे लोग स्वस्थ थया। रशिया में कोरोना वायरस ना कुल 1,60,00,000 थी वधारे केस। कोरोना 3,49,000 थी वधारे लोगों भोग लीधो। 1,31,00,000 थी वधारे लोग स्वस्थ थया।
तो खेड़ा महुदा में हेरेंज गामना प्रतीक पटेल हाल में युक्रेन में सोशियल मीडिया थकी वीडियो करियो वायरल। हजू पण 20,000 भारतीय फसाया होवानुं जाणवा मळ्युं। सूरतना फसायेला विद्यार्थीना परिवारजनों सीआर पाटिलनी मुलाकात करवा पहोंच्या। परिवारजनोए विद्यार्थीने भारत परत लावा करी रजूआत। खेड़ा जिल्लाना 25 युवानो युक्रेन में फसाया। नडियादनी वतनी अने छेल्ला 5 वर्षथी युक्रेन में एमबीबीएस नो अभ्यास करती मेघा भट्ट युक्रेन में फसाई। तंत्र द्वारा नजीकनी बॉर्डर पर पहुंची जवा माटे सूचनाओ अपाई। बॉर्डर पर पहुंचवा माटे कोईपण ट्रांसपोर्टेशन पर उपलब्ध नथी। युद्धनी परिस्थिति में विद्यार्थीनी हालत कफोड़ी बनी। बाळकोने जल्दी में जल्दी सुरक्षित लावामां आवे तेरी परिवारजनोनी सरकार पासे मांग। युक्रेन में पण वापीनी एक विद्यार्थीनी फसाई। संगीता चौधरी 3 वर्षथी एमबीएस नो अभ्यास करी रही छे। इनोवा में फसायेली संगीतानो परिवार वीडियो कॉल थकी सतत संपर्क में। वहेली तके संगीता ने वतन परत लावा माटे मांग। वलसाडनी अनेरी पटेल पण युक्रेन में फसाई। जे पोताना 180 साथीओ साथे स्पेशियल चार्टर फ्लाइट बुक करी भारत परत आवी। वलसाडनी अनेरी पटेल पोताना घरे परत फरता परिवारजनों में खुशीनी लागणी छवाई। युक्रेनना खारकीवमां गोधरानी एमबीबीएसमां अभ्यास करता विद्यार्थी दीप पटेलने भारत लावा तेना परिवारजनोनी मांग। खारकीवमां फसायेला बॉम्बमारा दरमियान मेट्रो स्टेशनमां विताવી હતી રાત। હાલ તમામ સુરક્ષિત સ્થળે। પંચમહાલ સાંસદ રતનસિંહ રાઠોડે વિદ્યાર્થીઓના આઈ કાર્ડ અને એફિડેવિટ કરી લેખિતમાં કેન્દ્ર સરકારને કરી રજૂઆત। પંચમહાલના ગોધરાની વિદ્યાર્થીની યુક્રેનમાં ફસાઈ। વિદ્યાર્થીએ વિડીયો મોકલી સ્થિતિનો ચિતાર આપ્યો। પુત્રીને પરત સ્વદેશ લાવવા પિતાએ કરી મદદની પુકાર। અરવલ્લીનો ત્રીજો યુવાન યુક્રેનમાં ફસાયો। રશિયાની બોર્ડર પાસેના યુક્રેનના ખારકીવ સીટમાં ફસાયો। હાલ તો પરિવાર યુવાનના સંપર્કમાં। યુક્રેનમાં ફસાયેલા ગીર સોમનાથના ગુજરાતી વિદ્યાર્થીએ વિડીયો કર્યો વાયરલ, જેમાં રાત્રે બંકરમાં તેઓને સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા હતા। નાની જગ્યામાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ બેઠેલા જોવા મળ્યા। રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ખાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે નવસારીનો પરિવાર ફસાયો। ફ્લાઇટ કેન્સલ થતા અનેક ભારતીયો યુક્રેનમાં રહેવા મજબૂર। વિડીયો મારફતે જણાવી આપી હતી। દમણની એક વિદ્યાર્થીની યુક્રેનમાં ફસાઈ। વિડીયો મોકલી ભારત સરકાર સમક્ષ કરી મદદની માંગ। વિદ્યાર્થીનીના પરિવારજનોમાં ચિંતાનો માહોલ। યુક્રેનમાં મહેસાણામાં 20થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા હોવાનો અંદાજ। રાજ્યમાં 6-7 હજાર વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા હોવાનો અંદાજ। વિદ્યાર્થીઓને ત્યાંની સરકારે ઘરમાં જ રહેવા કર્યું સૂચન। યુદ્ધની સ્થિતિમાં ભારતીયો સહિત ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ ફસાયા। પાલનપુરની વિદ્યાર્થીની દિવ્યાંશી પઢિયાર ઘરે પરત ફરતા પરિવારજનોમાં ખુશીનો માહોલ। તો હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર અને અપડેટ જાણવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।